बच्चों, आज हम कक्षा 1 के कलरव पुस्तक के पाठ 2 बाघ की चर्चा करेंगे। जैसा कि अपनी किताब आप लोग खोलेंगे तो ये चित्र बाघ पाठ में बना हुआ है। इसको हम खोलते हैं। बाघ कहते हैं किसी ने, गांव में एक बगीचा होता है। बगीचे में हम फलों के पेड़ और कई प्रकार के ऐसे पेड़ लगा देते हैं जिनसे कि हमको फल फूल प्राप्त होते रहते हैं, जिसे हम बाग कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं। इसमें लोग सुबह दिन के समय आराम करने जाते हैं और वहाँ आराम से बैठते हैं। बच्चे खेलते कूदते हैं। बाग में से होके रास्ते भी जाते हैं जिससे लोग जाते जाते हैं। यहाँ पे एक बाग का चित्र दिया गया है। बाग यानी बगीचे का चित्र। ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर घोंसला है। ये घोंसला बना हुआ है जो हमने लाल रंग से घेरा है। घोंसला क्या होता है? घोंसला चिड़िया का होता है। चिड़िया के घर को हम घोंसला कहते हैं। इस पे चिड़िया क्या करती है? अपने अंडे देती है और उसको घोंसले में क्या करती है? रखती है। चिड़िया वहाँ बैठी हुई है। बंदर भी पेड़ पे रहता है। ये क्या करता है? ये पेड़ पर से फलों को तोड़कर खाने का काम करता है। छत्ता मधुमक्खियों का होता है। मधुमक्खी जो होता है वो छत्ता होता है, जैसे ये किनारे बना हुआ जो है ये छत्ता है जो लाल रंग से घिरा हुआ है। इसमें मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी फूलों से रस लेके आती है और छत्ते में क्या करती है? डालती है। छत्ता में रानी मधुमक्खी रहती है और श्रमिक मधुमक्खियाँ उसको लाकर रस देती रहती हैं। गांव में यहाँ कुम्हार का चित्र दिया गया है। कुम्हार वह है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है जो लाल रंग से घिरा हुआ है। ये कुम्हार बैठा हुआ है। ये चाक पर मिट्टी के बर्तन है। चाक क्या है? चाक एक गोल रंग का पहिया होता है जिसको कुम्हार गोल गोल घुमाता है और उस पर मिट्टी रखकर मिट्टी के बर्तन बनाता है। आगे आते हैं तो हमारे पास अगली चीज़ जो दी गई है वो है चारपाई। चारपाई क्या चीज़ है? जिस पे हम लोग बैठते हैं। चारपाई माने जिसके चार पैर हों। चार पैर किसके होंगे? चारपाई के होंगे। हम लोग इस पे सोते हैं, बैठते हैं। बगीचा में रख के हम क्या करते हैं? बगीचे में इसको आराम से बैठकर इस पर पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो सोने का काम भी हम चारपाई पर ही करते हैं। यहाँ बच्चों पीछे एक तुमको दिख रही होगी, यह है बैलगाड़ी जो लाल रंग से घिरी है। बैलगाड़ी वह साधन है जिसको कि बैल खींचते हैं और इस पे हम अपने सामान को ढोते हैं या सवारी ढोने का काम करते हैं। गांव में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। पेड़ पर यहाँ लिखा है आम। आम का मतलब यहाँ पे आम के फल लगे हुए, यानी कि बगीचा किसका है? आम का बगीचा है और इसमें आम के फल लगे हुए हैं और हम इसका क्या करते हैं? उपयोग आम खाने के लिए हम अपना उपयोग करते हैं। आगे आते हैं तो इसमें और भी चित्र बने हुए हैं। जैसे दिया हुआ है झूला। ये बच्चा झूला झूल रहा है। झूला जो लाल रंग से घिरा है वो झूला है। इसमें रस्सी से हम क्या करते हैं? पेड़ पर बांध देते हैं रस्सी और उस पे बच्चे झूला झूलने का काम करते हैं। झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। फिर आगे यहाँ पे एक सुंदर सा चिड़िया दिख रही है जिसको कि हम तोता कहते हैं। बच्चे तोता बहुत पसंद करते हैं और ये हरे रंग का होता है। ये तोता जो लाल रंग से घेरा गया है ये तोता है। तोता क्या करता है? तोता उड़ता है और पेड़ पर से फलों को भी खाने का काम करता है। आगे आते हैं तो एक चीज और दी गई है, जो दी गई है तितली। तितली जो है, ये तितली है लाल रंग की जो घेरा गया है। ये हम लाल रंग से घेर रहे हैं यहाँ पे तितली। तितलियाँ हैं। तितलियाँ क्या कर रही हैं? फूलों पर बैठ रही हैं और फूलों से रस चूसने का काम करती हैं। हजारा
अब एक नया शब्द दिया गया है, हजारा क्या होता है? सबके मन में जिज्ञासा होगी कि ये हजारा क्या चीज़ है भाई। यहाँ पे लिखा है हजारा। हजारा क्या है? हजारा पानी देने का एक बर्तन है, जिसमें कि पानी भरकर माली बगीचे में पौधों को पानी देने का काम करता है। बगीचे में फल फूल लगे होते हैं और बच्चे खेलने का भी काम करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को खेलते हुए भी देख रहे हैं और इससे हमको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम बगीचे के बारे में जान सकें, बगीचा में क्या क्या हो सकता है। बगीचा में शांति माहौल होता है, सभी लोग आराम से बैठते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं और उसमें रास्ते भी होते हैं, उसमें फल फूल के पेड़ भी लगे होते हैं और लोग गर्मी के दिनों में ठंडी हवा पाने के लिए बगीचे में आराम करने जाते हैं। गांव में पहले बिजली का बहुत अधिक साधन नहीं था, तो लोग गांव में इसी तरह बगीचे में रहकर अपना जीवन यापन करते